इस्लामिक देशों को ये भूलने की जरूरत नहीं है कि ये आज का नया भारत है। भारत के खिलाफ बोलने वालों के मुंह पर ताला लगाना अब यहाँ के लोगों ने सीख लिया है, तो वहीं विरोधी देश जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं उनके लिए उतना ही बेहतर है। बता दें कि मोदी सरकार देश के अंदरूनी मामलों में घुसने वालों को जरा भी नहीं छोड़ती है, और अगर बात जब कश्मीर की हो तो फिर भारत किसी को भी सुनाने में पीछे नहीं हटता। जो भी कश्मीर को लेकर भारत को ज्ञान देने आता है और फिर भारत उसे तबीयत से फटकारता भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये नया भारत पूरी दुनिया को साफ और कड़े लफ्जों में बता चुका है कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जैसे पाकिस्तान और तुर्की को ये बात समझ में नहीं आई, तो एक बार फिर भारत ने इन देशों की इज्जत उतार दी और 57 इस्लामिक देश देखते के देखते रह गए। मौका था संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र का। यहाँ भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कश्मीर पर तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हालिया बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी देश को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लगे हाथ भारत ने तुर्की से उम्मीद जताई है कि वो फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग के लिए भारत ने पाकिस्तान और तुर्कियों को जबरदस्त धोया। भारत पर आरोप लगाने वालों को तगड़ा जवाब देते हुए प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा किसी भी देश को भारत के अंदरूनी मामले पर भविष्य में अनचाहे टिप्पणियों से बचना चाहिए। पड़ोसी देश लाल रंग से लथपथ हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर परिषद के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सरेआम झूठ प्रचारित करने के लिए किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। तो वहीं अनुपमा सिंह ने कश्मीर के मामले में तुर्की को भी फटकार लगाई। अनुपमा सिंह ने कहा हमें कश्मीर मामले पर तुर्की की टिप्पणी पर खेद है। हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की भविष्य में हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचेगा। बता दें कि साल 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद तुर्की ने कहा था कि इससे कश्मीर के हालात और भी खराब हो गए हैं। तो वहीं भारत का रुख साफ है कि भारत अंदरूनी मामलों को लेकर किसी से कोई टिप्पणी नहीं चाहता है।